यूपी के रामपुर में सपा के कदावर नेता आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन, फसाहत शानू, इस्लाम ठेकेदार, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, सपा नेता वीरेंद्र गोयल सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि दिनांक 16 अक्टूबर 2016 को सुबह 6 बजे रामपुर पब्लिक स्कूल को बनने के लिए यतीम खाना और उसके आसपास के मकानों को तोड़ा जा रहा था। उसी वक्त सपा नेता आजम खान और उनके करीबी तत्कालीन सीओ काले हसन, फसाहत शानू, मीडिया प्रभारी इस्लाम ठेकेदार, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, सपा नेता वीरेंद्र गोयल सहित 25 से 30 अज्ञात लोग अचानक घर में घुस आए और मारने पीटने लगे। साथ ही घर रखे सामान व सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लूट कर ले गए और जाते जाते जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने उनकी कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए 3 साल से भटक रहा था। अब पीड़ित परिवार रामपुर एसपी अजय पाल शर्मा के पास न्याय के लिए गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो एसपी ने उनकी पूरी बात सुनते हुए कोतवाली पुलिस को अंजाम खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कोतवाली पुलिस ने बिना देरी करते हुए सपा नेता आजम खान और उनके करीबी तत्कालीन सीओ आले हसन, फसाहत शानू, मीडिया प्रभारी इस्लाम ठेकेदार, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, सपा नेता वीरेंद्र गोयल सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आजम खान सहित उनके करीबी की इस मामले में गंभीरता से जांच में जुट गई है और पीड़ितों द्वारा दिए गए साक्ष्य और सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। मुकदमा दर्ज हुआ है, किन मामलों में दर्ज हुआ, किन किन लोगों पर दर्ज हुआ इसमें, उनके अलावा? ये थाना क्षेत्र कोतवाली में नन्हे नाम के व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके घरों को, पहले उनकी ज़मीनों को उनको लालच दे करके उनको ये बताया गया कि उनको दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन उनको झूठ बोल करके उनके जो घर थे उनको तोड़ा गया, उनके साथ उनको घसीट करके उनके साथ मारपीट की गई और उनका जो सामान है, जो घर में रखी हुई ज्वेलरी थी या पशुधन था, उसको लूटपाट हुई है। इस तरह की शिकायत जो आई थी, इसकी जांच करवाई गई, उन जांच में आरोप जो सही पाए गए, उस आधार पर ये FIR 2 मुकदमे थाना क्षेत्र कोतवाली में पंजीकृत हुए हैं, जो मुसीपुरा टीम थाना से संबंधित है। इसमें मारपीट, धमकी देना और 389, 395 इन धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें कुल 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें सांसद आजम खान और उनके सहयोगी आले हसन, जो कि पूर्व में सीओ के पद पर तैनात रहे हैं, और इसी के साथ फसाहत शानू और अन्य कुछ लोग नामजद हैं इसमें, और कुछ अज्ञात में लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर ये FIR दर्ज की गई। क्या इसमें SOG का भी कोई? जी, एक सिपाही का नाम भी इसमें बताया गया है, जो कि जांच के दौरान जो बयान दिए गए हैं उनके द्वारा यही बताया गया कि वो जो पूर्व में CO सेक्रेटरी थे उनका काफ़ी करीबी था, और ये जो अवैध कार्य हुआ है इसमें उसके वो भी उनके साथ में शामिल था, इस अवैध कार्य में। तो क्या स्कूल की जमीन थी, क्या था ये? इसमें स्कूल बनाने के नाम पर भी ज़मीन ली गई थी, रामपुर पब्लिक स्कूल नाम से इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये ज़मीन तोड़ी गई थी, जिसमें कि उनके जो आशियाने थे, उनके घर थे, उनको तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया, जो कि बताया गया है कि अवैध रूप से ये कार्य किया गया है, जिसके संबंध में फिलहाल FIR दर्ज की गई है। अभी इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा, जिसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।